नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर भारत और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की खबर के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रयास करती हुई नजर आ रही है। आज राजधानी लखनऊ के उद्यान भवन में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने उत्तर स्पाइस एक्सपो का उद्घाटन किया, जिसमें प्रदेश भर एक्सपोर्टर ने प्रतिभाग किया। हमारा उद्यान विभाग राज्य में उद्यान के माध्यम से सब्जी, फल, फूल, औषधीय फसलें और मसालों की खेती का काम करता है। राज्य के किसान बेहतर फल, फूल, सब्जी, औषधीय फसलें और मसालों का उत्पादन करें, इसका काम, इसका दायित्व ही हमारे उद्यान विभाग का है। आज उद्यान विभाग के निदेशालय के सभागार में उत्तर प्रदेश स्पाइस कॉन्फ्रेंस एक्सपो 2024 का आयोजन किया गया। मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूं कि राज्य के किसानों की आय बढ़े। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की आशा के अनुरूप राज्य के किसानों की आय दोगुनी हो, इसमें ये कॉन्फ्रेंस मील का पत्थर साबित होगा। जो जो तकनीक, जो जो सहयोग आज इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसानों को दिए जाने की चर्चा हुई है, ये बात नीचे तक पहुंचेगी और राज्य के किसान मसाले की खेती अच्छे ढंग से करेंगे। उसके मूल्य संवर्धन के लिए खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर भी इस कॉन्फ्रेंस में जोर दिया गया है। राय दी गई है, सलाह दी गई है, सुझाव दिए गए हैं, अपने अनुभव को साझा किया है एक्सपोर्टर ने, प्रमोटर ने, प्रोड्यूसर ने, सब ने मिल करके किसान, FPOs और ट्रेडर्स, एक्सपोर्टर, सब ने मिल करके एक राय आपस में शेयर की है। कौन किसके लिए मददगार हो सकता है, आपस में एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान हुआ है। निसंदेह यह कॉन्फ्रेंस राज्य के किसानों में मसाले की खेती बढ़ाने में, राज्य के किसानों की मसाले की खेती की प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करके, वैल्यू एडिट करके दुनिया की बाजारों तक पहुंचाने में एक कॉन्फ्रेंस सफल होगा। कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य के किसानों की आय बढ़ेगी, ऐसा में यूपी के महोबा में महिला मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई, जिसमें सवार 20 से अधिक महिला मजदूर घायल हो गए। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से हादसे में घायल 15 महिलाओं को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में सभी उपचार उन सबका उपचार किया गया। दुर्घटना के चालक मौके से फरार हो गया। मजदूरी करने के लिए जा रहे थे, मतलब ये श्रीनगर रोड है अपना, तो रास्ते में ट्राली में 30-40 आदमी लोग थे। तो रास्ते में बसोरा के आगे थोड़े मतलब मोड़ है, वहाँ ड्राइवर का या संतुलन बिगड़ गया, कुछ भी हो गया, तो वो ट्रैक्टर पलट गया, तो खाई में मतलब 7-8 फीट नीचे चला गया। कितने लोग घायल हैं? कम से कम इसमें 15 लोग घायल हैं, 15-20 लोग घायल हैं और वैसे काफ़ी चोट आई है, इसलिए हम जिला अस्पताल सरकारी में एम्बुलेंस के जरिए हम लेके आए हैं। और जो ड्राइवर चला रहा, ड्राइवर का नाम था महेश, उनकी लड़के का नाम था मुकेश राजपूत। हाँ, ये क्या नाम है, कहो गो, कहाँ की रहने वाली हो, कहाँ पलटी ठिलिया, कितने लोग घायल है ठिलिया में? कहाँ से कहाँ जा रही थी आप? तो ठिलिया में भर के मजदूरी कर, कहाँ जा रही थी ठिलिया? कहाँ जा रही थी मजदूरी कर? सूरज चौकी कि महोबा? अपनी जिला अस्पताल महोबा इमरजेंसी में अभी कुछ घायल को लाया गया है। लगभग 15 लोगों के आसपास महिलाएं गई हैं और ये ट्राली पलटने का मामला है। ट्रैक्टर की ट्राली पलट गई थी, ये रुक जा रहे थे, अभी यहाँ पे इनका उपचार किया जा रहा है। स्थिति अभी
में महिला मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई, जिसमें 20 महिला मजदूर घायल हो गए हैं। मदद से इस हादसे में घायल 15 महिलाओं को गंभीर अवस्था में एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका उपचार चल रहा है। फिलहाल दुर्घटना के बाद से जो चालक है वो फरार चल रहा है। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल मिर्जापुर पहुंचे। सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने मिर्जापुर जनपद के ऐतिहासिक चुनार के किले पर तिरंगा फहराया और शहीदों को याद किया। इस दौरान मंच से संबोधित करते हुए कहा, बाबा भीमराव अंबेडकर की एक परिकल्पना थी, सबको शिक्षा, आवास और बराबरी का हक मिले। प्रदेश में बहुत सारे रोजगार के अवसर आ रहे हैं, फैक्ट्रियां लग रही हैं, हाईवे बन रहे हैं, निवेश हो रहा है, मिर्जापुर में भी बहुत सारे विकास हुए हैं और आगे भी विकास होते रहेंगे। आज 78वां स्वतंत्रता दिवस हम सब लोगों ने चुनार के किले पर मनाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियों को जनमानस तक पहुंचाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है और भारत के हर उस जरूरतमंद व्यक्ति को मदद करने का एक हमारी सरकार का जो संकल्प है उसको दोहराने का काम किया। आज 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में चुनार किला पर हमारे कैबिनेट मंत्री, हमारे गार्जियन श्री आशीष पटेल जी का आगमन हुआ, जिसपे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए और चुनार का उन्होंने चुनार घाट पे यहाँ का निरीक्षण भी किया और यहाँ के विकास के बारे में बताया और यहाँ पे नई नई परियोजनाओं के लिए और भी चीज़ें दी हैं, चुनार को नई सौगात मिली हैं, जिसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं माननीय मंत्री जी का। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है, ऐतिहासिक दिन है। आज भारतवर्ष जो है 78वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, जो है कि आज जन जन में देश के प्रति जो सम्मान है, जो हमें हक और वसूल, जो हम आज स्वतंत्र हैं, ऐसे वीर पुरुष को पहले सशस्त्र नमन करते हैं, वंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और ये जो पर्व है हम लोग निरंतर जब तक यह जीवन पर्यंत रहेगा तब तक हम लोग मनाते रहेंगे और मेरा भारत देश सुख चैन अमन से रहे, यही जो है कि हम लोगों की एक जिज्ञासा है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भारत जब प्रतंत्र था उस समय से और आज के समय से कितना अंतर हो गया। जन जन के लोग कहीं आ जा रहे हैं, सब लोग स्वतंत्र हैं, सब लोगों को शिक्षा दीक्षा बढ़िया मिल रहा है, नौजवान साथियों में एक संरचना देश के प्रति जो लगाव है वो बहुत ही अच्छी है। बहुत कुछ न कहना है, हमारा देश महान है, महान रहेगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ऑनलाइन सेवा के माध्यम से लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने वाले प्राइवेट ओला, उबर, रैपिडो जैसी वाहन सेवा आज पूरी तरह प्रदेश में ठप नजर आई। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्राइवेट कैब चालक जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ड्राइवर यूनियन एसोसिएशन ने कहा कि पिछले एक वर्ष से सभी कंपनियां प्रतिदिन रेट कम करती जा रही हैं। पहले 20 रुपए किलोमीटर के रेट से मिलता था, आप 6 से 7 रुपए किलोमीटर के हिसाब से रेट मिल रहा है। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उनको याद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव अटल स्मारक पहुंचे और यहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सदैव अटल स्मारक पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें याद किया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर प्रदेश की जनता की ओर से अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देश की राजनीतिक अस्थिरता को दूर करने के लिए 3 बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने भारत की राजनीतिक स्थिरता के साथ साथ आधुनिक भारत के निर्माण की नींव रखी। आज वे हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी स्मृतियाँ, उनकी कविताएं भारतीय राजनीति के लिए उनके मूल्य और सिद्धांत सदैव हमें नई प्रेरणा प्रदान करते हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारतीय राजनीति के अजात शत्रु के रूप में एक सर्वमान्य चेहरे के रूप में जिनकी पहचान थी, ऐसे सर्वे अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज 6वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर प्रदेश की जनता की ओर से, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से सरदार अटल जी के स्मृतियों को नमन करते हुए हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम सब जानते हैं कि सरदार अटल जी का जो पैतृक गांव है वह उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद के बटेसर में पड़ता है। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहकर के संपन्न की और कर्म भूमि के रूप में अपने पैतृक जन्म भूमि के प्रदेश को ही अपनी कर्म भूमि के रूप में चुना। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह चौधरी ने कहा, उनकी पुण्यतिथि है और उनको आज पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा है। उन्होंने सभी लोगों और वर्गों के लिए काम किया, उनको आज पूरा देश याद कर रहा है। इट्स अ डे ऑफ सॉलेम्न रिमेम्ब्रेंस, उनकी पुण्यतिथि है, उनको श्रद्धांजलि पूरा देश देता है। जो उन्होंने उनके कर्म रहे देश के लिए, सभी लोगों के लिए, वर्गों के लिए उन्होंने काम किया, उनको याद करें। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा, अटल जी हमारे धरोहर रहे हैं और उनकी बातें हमारे लिए और राष्ट्र के लिए प्रयुक्त हैं और उसका अनुसरण करना चाहिए। हम उनकी हर बातों से प्रेरणा लेते हैं। अटल जी हमारे धरोहर रहे हैं और अटल जी की एक एक बातें हम लोगों के लिए जीवन में और राष्ट्र के लिए प्रयुक्त है, उसको फॉलो करना चाहिए। और अटल जी ऐसे महान योद्धा के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सम्मान देने के लिए इस तरह की सभाएं आयोजित कर रहे हैं, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और अटल जी के हर क्षण हर पग में उनकी बातों से हम लोग प्रेरणा लेते हैं। खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां 12 अगस्त को अधिवक्ता शौकीन अली की हत्या का पुलिस ने सफल अनावरण किया। एसओजी सर्विलांस की मदद से अधिवक्ता शौकीन अली की 3 हत्यारोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं मुख्य आरोपी प्रेम सिंह कैलाश रोहित ने अपना जो जुर्म है वो कबूल कर लिया है। आपको बता दें कि थाना मझोला इलाके में चौहनों वाले मैनाठेर में हत्या हुई थी। देखिए 12/8 को एसएचओ मझोला को सूचना मिली कि उनके क्षेत्र में लाकड़ी फाजलपुर रोड पे एक सहारा का जो लैंड है उसी में एक कुआं में एक डेड बॉडी है। सूचना पे तत्काल एसएचओ अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे और सूचना पे अन्य आला अधिकारी भी मौके पर गए। उसके बाद उस डेड बॉडी को कुएं से निकालने के बाद उसकी शिनाख्त का प्रयास किया गया।
जिनकी पहचान एक एडवोकेट यहाँ पे थाना क्षेत्र नागपल्ली के रहने वाले थे उनके रूप में हुए। उसके बाद हम लोगों ने उसमें जो मोर्चरी भेजा गया डेड बॉडी को जो अग्रिम कार्रवाई थी उसमें की गई, और उसके बाद इमिडिएटली हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत करके और इसमें वर्कआउट करने का पूरा प्रयास हमारा शुरू हो गया। हमारी जितनी स्पेशलाइज यूनिट थी सब मौके से एविडेंस कलेक्ट करके लाई थी, हमारी चार टीमें उसमें काम करना शुरू कर दी, टेक्निकल हमारी टीमें और प्लस SHO और CO जो CO मजोला हैं, CO सिविल लाइन्स अर्पित उनके नेतृत्व में टीमें बनी और हम लोगों ने इसको लगातार बहुत सघनता के साथ काम करके इसे वर्कआउट किया है। इसमें तीन मुलजिम जिन लोगों ने एक योजना बनाकर वहाँ उस मौके पर उनको वकील साहब को ले जाकर उनकी हत्या की थी, उन तीनों को हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है। उनके पोजीशन से जो वकील साहब की बिलोंगिंग्स थी इसमें एक स्कूटी उन्होंने वहाँ उस मौके तक जाने में यूज़ किया था वो स्कूटी बरामद की है, उसके बाद उनके पास एक मोबाइल फ़ोन था वो बरामद हुआ है और उनके पास ATM कार्ड्स थे वो सारे ATM कार्ड्स हम लोगों ने बरामद किए हैं, एक बाइक जो अपराधियों ने यूज़ किए थे वो भी बरामद किए और मौके से जो आला कत्ल थे यानी जो वहाँ पे ईट वगैरह से सर में चोट मार के हत्या की गई थी उसको भी हम लोगों ने बरामद किया। तो जितनी बिलोंगिंग्स थी जितने सामान वहाँ पे थे सब हमने बरामद किया है। इन तीनों अभियुक्तों को अभी हम लोग उनको जेल भेज रहे हैं और जो भी वही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज सुबह लखनऊ के हजरतगंज में बीजेपी कार्यालय के पास बनी रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा पर मालार्पण करने पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव के साथ सपा नेता राजेंद्र चौधरी समेत कई लोग शामिल हुए। अखिलेश ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रानी अवंतीबाई की प्रतिमा पर मालार्पण करने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ग्रुप फोटोग्राफ कराई और फिर मीडिया से मुखातिब होकर रानी अवंतीबाई लोधी के बारे में बातें साझा की। इनके राजनीति करने का ढंग और उत्तर प्रदेश के हमारे पत्रकार साथियों आपसे बेहतर कौन जानता होगा, आंख बाद में खुलती होगी क्या नैरेटिव क्या कहानी बनानी है वो आपके पहले ही व्हाट्सएप आ जाती है। और मैं आपसे उस दिन भी थोड़ा इशारा किया था, जिस विभाग से आप चलते हो सबसे ज्यादा करप्शन उसी विभाग में है, ये बात आप भी स्वीकार करते हो मनी मन, लेकिन क्या करें प्रॉस्पेरिटी लानी है तो कुछ चीजों को नजरअंदाज करते हैं हम और आप लोग। मुख्यमंत्री को और दोनों डिप्टी सीएम को जिम्मेदारी मिली है चुनाव जिताने की, ये जो लोग चिल्ला रहे समाजवादी समाजवादी इस चुनाव के बाद और 27 में जनता इन्हें समाप्त कर देगी। अरे पुलिस किसके इशारे पे काम करती है, पुलिस जो सरकार है उसके इशारे पे काम कर रही है, पुलिस को न्याय देना चाहिए ये नहीं भूलना चाहिए। उनके पास CCTV है कैमरा है उनके पास, एक एक आदमी को आइडेंटिफाई करें और आइडेंटिफाई कर करके उनके मदर फादर जिस तरीके से मुख्यमंत्री को उन्होंने लिख करके दिया सदन में बोला है उसी तरह सभी दोषियों के माँ बाप के साथ नाम जारी करने चाहिए। जिस गुस्से के साथ वो कह रहे थे बुलेट ट्रेन चलेगी उनके ऊपर नहीं बुलेट ट्रेन चलेगी, जो और लोग हैं जो बीजेपी के खासम खास उस सूची में लोग हैं क्या उनके ऊपर नहीं चलेगी। और आप तो पत्रकार हो आप खुद जानते हो सूची में कौन लोग हैं, सब बीजेपी वाले हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके पुलिस के माध्यम से उनके इशारे पे राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का मैंने कहा था आपको इन पे हुनर है, इनके साथ सब संस्थाएं भी हैं जो उन्हीं की बात करती हैं, इसलिए सावधान आपको भी रहना है। यूपी के मुरादाबाद में थाना भोजपुर क्षेत्र के रुस्तमपुर तिगरी में बीते बुधवार की रात में चोरों ने 4 घरों में कुम्मल लगाया, लेकिन 3 घरों में चोरों को कुछ हाथ नहीं लगा। लेकिन जब इसराइल पुत्र यूसुफ के घर में घुसे चोरी ने कमूल लगाकर संदूक में रखे 2,35,000 की नकदी और सोने चांदी के आभूषण चोरी करके ले गए, जिससे पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया। वहीं परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। आ,
चोरी हो गई मेरी साइकिल, देख ले गए 3 लाख रुपया कितने बोल ले गए मेरे में बाहर सो रही थी मैं, सब काम पलंग उलंग सब इसे किवाड़ से लगा के फजर की नमाज पढ़ना उठी हूँ तो वो फिर किवाड़ खुलते हैं, जब पुलिस वाले आए जब उन्होंने सब हटा उठा कर जब गे बंद करके गाई ऊँचे पीछे लगा कर सब देख कर गाई, वो खुद का गोल का अपने हाथ से मैंने तब गलत कुछ देखा भी ना, तो सुबह से दौड़े में दौड़े पढ़ना भी है तो और भी ना आ सुबह से क्या क्या सामान चोरी हुआ जाले मेरे बाली है मेरी टीका है गले का हार है मेरा कैश भेज गया है कैश पैसे हाँ कैश भी गया कितने रुपए 3 लाख रुपए कल को लेकर जाते ही का लेने जाते तो जब जोड़ में तोड़ कर सबको लेकर आए अच्छा मकान बनाने के लिए ईंटें लाने के लिए बहनों के लिए बहन की चीज भी हो गई उसकी भी चीज इसका तो कोई झूठ भी ना कोई कह रहा ना झूठ है लोटियों से इकट्ठे कर उनका जब भी लेकर जाते आज लेकर जाते भी आप ही आप कितने घरों में कोमल कटाए कोमल घाट का देखा तो उनमें तो कुछ भी ना था सब इस नहीं था तो इन तीनों कमरों में कोमल कर सब ने थोड़ा थोड़ा काट के देखा है जब उसमें कुछ निकला ही ना पूछता ही ना तो वो मिलता ही था अच्छा। जब पूछ ही ना था उसमें एक कमरे में कमरे में था जो भी पूछता इसी कमरे में से निकाल के ले गया था तो आप लोग कहाँ सो रहे थे यहाँ सो रहे थे बाहर अच्छा कितने समय की घटना है मैंने तो फजर की नमाज जब सुबह की नमाज होती है मैं नमाज पढ़ लगाती हूँ एक मिनट नहीं बोलना तो फजर की नमाज जब मेरे घर वाले आए नमाज पढ़ कर तो मैं कह रही हूँ आज मैंने किवाड़ खोला किवाड़ ने खुल लिया देखियो कोई चीज लग गई थी क्या टूटा हुआ किवाड़ है जो निकल लिया होगा तो जब देखा तो अंदर से कुंडी लगा हुई थी और पलंग लगा हुआ है ऐसे करके अच्छा। जब बाहर से जाकर पुलिस वालों ने आका जब पुलिस वालों ने सब पुलिस को सोचना कैसे दिया आपने फोन किया था मुझे कुछ मालूम ना कि किसने करा फोन किसने नहीं अच्छा पुलिस आई तो पुलिस ने क्या आश्वासन दिया क्या कहा पुलिस ने मुझे तो होश ना था जो भी घर वालों ने बतलाया हो उन्होंने तो मुझे रोता हुआ ही देखा मुझे तो होश ही ना है कहा जब से मैं कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप के बाद से पूरे देश के चिकित्सकों में आक्रोश है। इसको लेकर कासगंज में शुक्रवार को जिला अस्पताल में डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांधकर 2 घंटे तक चिकित्सा सेवा बंद कर न्याय दिलाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने चिकित्सक के हत्यारोपी को फांसी की सजा दिलाए जाने और अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की। डॉक्टर्स को मारा है, डॉक्टर्स वार्ड में छुप रहे हैं, वो लोग बीच में छुप छुप के वीडियो डाल रहे हैं फेसबुक पे, कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ, हमें सिर्फ जस्टिस चाहिए, वी वांट जस्टिस ओनली। अगर न्याय नहीं मिलता है तो फिर क्या रोकना, अगर वो जो ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये बेटी पढ़ी पर बची नहीं, बेटी पढ़ी पर बची नहीं, आज उसके साथ हुआ, आज उसे जस्टिस नहीं मिल रहा तो हम कैसे माने कल हमें जस्टिस मिलेगा। हम तो सरकार के लिए ही काम कर रहे हैं, प्राइवेट काम तो नहीं कर रहे, तो सरकार हमारा साथ नहीं देगी तो कौन साथ देगा। मैम जो आज प्रदर्शन किया है जिला अस्पताल में, क्या कुछ मांग करते हैं, किस तरह से दिखते हैं? एक डॉक्टर, एक महिला, चाहे वो पुरुष हो, स्पेशली महिलाओं के लिए, महिलाएं रात में काम करती हैं, हम ये नहीं कह रहे कि पुरुष ही सुरक्षित हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं, ऐसा क्यों महसूस हो? सड़क पे, घर पे, अस्पतालों में, सिनेमा घरों में, गलियों में, कहीं भी महिला को सुरक्षा चाहिए। हमारी सरकार से हमारी गुजारिश है कि हमें सुरक्षा चाहिए, क्यों नहीं? अगर रात में 24 घंटे में कभी भी इमरजेंसी पड़ती है, डॉक्टर ऑन कॉल ड्यूटी पे आएगा, उसके साथ कोई पुलिस वाले तो आएंगे नहीं, कोई स्क्वाड तो लगेगा नहीं, ठीक है, तो उसको अकेले ही अपने आप इतना सुरक्षित होना चाहिए, उसको इतना सुरक्षित माहौल चाहिए कि वो चल सके। मेरी बेटी को, मेरी माँ को, मेरी बहन को सड़क पे चलते समय ये महसूस होना चाहिए वो सुरक्षित है, वो कहीं भी चले, मानसिकता बदलनी चाहिए आदमियों को अपनी मानसिक। फिलहाल के लिए उत्तर भारत में मेरे साथ बस इतना ही, बाकी की खबरों के लिए आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।